एशिया न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। मेरी प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला वाक्य था। इससे पहले वे मेरे प्यारे देशवासियों के साथ अपनी स्पीच शुरू करते थे। 90 मिनट यानी डेढ़ घंटे के भाषण में मोदी ने इस बार मेरे परिवारजन शब्द का 26 बार जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने लाल किले पर 10वीं बार झंडा फहराने के बाद अपने संबोधन में देशवासियों को बधाई दी। पीएम ने मणिपुर हिंसा रिफॉर्मर्स पर भी बात की, साथ ही अपनी सरकार के काम का 10 साल का हिसाब दिया। राजनीति में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण जैसी तीन बुराइयों से मुक्ति की अपील भी की। प्रधानमंत्री ने लोगों से आशीर्वाद मांगते हुए कहा, 2047 में देश जब स्वतंत्रता के 100 साल का जश्न मनाएगा तो हमारे देश का तिरंगा दुनिया में विकसित देश की पहचान के साथ लहराएगा। इसके लिए आने वाले 5 साल को उन्होंने महत्वपूर्ण बताया और दावा किया कि लाल किले पर 2024 में वे ही तिरंगा फहराएंगे। मोदी ने देशवासियों को 3 गारंटी भी दी। पहली, 5 साल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाएगा। दूसरी, शहरों में किराए के मकानों में रहने वालों को बैंक लोन में रियायत मिलेगी। तीसरी, देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। 17 सितंबर को विश्वकर्मा योजना शुरू करने का ऐलान किया। इसके अलावा पीएम ने मणिपुर का 2 बार जिक्र किया। उन्होंने भाषण के शुरुआत में कहा, मणिपुर में माँ बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लोगों की जान गई। कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही है। देश मणिपुर के लोगों के साथ है, शांति के प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी इस बार ऑफ वाइट कुर्ता और काले रंग की जैकेट में नजर आए। उन्होंने जोधपुरी बांधनी प्रिंट साफा पहना जिसमें पीला, हरा और लाल रंग था। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।